अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शहली सदरी व यस्सिरली अम्री, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, वसय्यिदिल मुरसलीन, वसहबी अजमईन। आज के इस लेक्चर में हम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत से पहले के हालात जानेंगे बिइज़्निल्लाहि तआला। पिछले लेक्चर में हमने हर्ब फुजार या जंग फुजार के बारे में तफसील से पढ़ा था के अरब में इस्लाम के आगाज़ तक जो जंगें हुईं उनमें यह जंग सबसे ज़्यादा मशहूर और ख़तरनाक थी। इस जंग ने और इस तरह की दूसरी लड़ाइयों ने अरबों के सैकड़ों घराने बर्बाद कर दिए थे। इसके अलावा क़त्ल और लूटमार आम हो गई थी। ये माहौल देखकर बाज़ लोगों में उस मुआशरे की इस्लाह करने की यानी उस सोसाइटी को रेनोवेट और रेस्टोर करने की एक तहरीक पैदा हुई। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और ख़ानदान के सरबरा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुतल्लिब ने हल्फुल फुदूल की तजवीज़ पेश की। हल्फुल फुदूल एक मुआहदे का नाम था, यानी यूं कहें कि एक पीस ट्रीटी थी जो जुल्म के खिलाफ मक्के के चंद नेक लोगों ने यह हल्फ लिया था। हल्फ उठाना या हल्फ लेना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हल्फ यानी खसम या ओथ लेना या स्वेर करना। और इस मुआहदे हल्फुल फुदूल में लफ्ज़ फुदूल इसलिए आया है क्योंकि पहले पहले इस मुआहदे इस ट्रीटी का ख्याल जिन लोगों को आया उनके नाम में फजीलत का मादा मिलता है, जैसे फदील बिन हर्फ, फदील बिन वाआ, मुफद्दल वगैरह। ये लोग जरहम और खतूरा के कबीले से थे। इस मुआहदे में चंद कबाइल कुरैश जैसे बनी हाशिम, बनी मुतल्लिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी जहरा बिन किलाब, बनी तैम बिन मुर्रा शामिल थे। ये सब अब्दुल्ला बिन जुदान तैमी के मकान पर जमा हुए और ये मुआहदा हुआ। और इसके दौरान ये तय किया गया कि उन में से हर शख्स जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, मज़लूम की हिमायत करेगा और कोई ज़ालिम मक्के में ना रह पाएगा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे में शरीक थे और अहद नबूवत में फरमाया करते थे कि उस मुआहदे के मुकाबले में यानि हल्फुल फुदूल के मुकाबले में अगर मुझे सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं ना बदलता। और आज भी ऐसे मुआहदे के लिए कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूँ। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह क्यों कहा कि इस मुआहदे के बदले में मुझे कोई सुर्ख ऊन भी दे तो मुझे कबूल नहीं, या मुझे ये मुआहदा सुर्ख ऊंटों से ज़्यादा पसंद है? क्योंकि अरबों के नज़दीक सुर्ख ऊंट बहुत ज़्यादा कीमती और काफ़ी फ़ायदा मंद माल तसव्वुर किया जाता था। इसलिए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख ऊंट की मिसाल दी। अक्सर अहादीस में भी हमें सुर्ख ऊंट का जिक्र मिलता है, जैसा कि एक हदीस में आता है कि वितर की नमाज सुर्ख ऊंटों से ज़्यादा बेहतर है। हल्फुल फुदूल के बाद कुरैश ने एक और तारीखी काम अंजाम दिया और वह था खाने काबा की तामीर का। काबतुल्ला की इमारत सिर्फ एक आदमी के कद ऊंची थी और उसकी दीवारों पर छत नहीं थी। उस दौर में काबतुल्ला की इमारत कुछ हमारे मुल्क में ईदगाहों की तरह थी, सिर्फ
चार दीवार बगैर किसी छत के, और चूंकि काबा नशेब में था, यानी काबा जहां था वहां की जमीन स्लोपी और स्टीप थी, इसलिए बारिश के मौसम में शहर का पानी हरम में आकर जमा हो जाता था। इस पानी को रोकने के लिए ऊपर के हिस्से में एक बंद बनवाया गया था, लेकिन वो बार बार टूट जाता था और काबे की इमारत को बार बार नुकसान पहुंचाता था। बिला आखिर ये राय खरार पाई, ये तय हुआ कि काबे की उस इमारत को ढाकर नए सिरे से ज़्यादा मजबूत इमारत बनाई जाए। उसी दौरान हुस्न इत्तेफाक ये हुआ कि जद्दा की बंदरगाह पर, जद्दा के सी पोर्ट पर एक तिजारती जहाज, एक बिजनेस शिप किनारे से टकराकर टूट गया। कुरैश को जब उस जहाज के हादसे के बारे में पता चला तो वलीद बिन मुगैरा ने जद्दा पहुंचकर उस जहाज के तख्तों को खरीद लिया। इस जहाज में एक रोमी मुअम्मार भी, यानी एक रोमन आर्किटेक्ट काम करता था जिसका नाम बाखूम था। वलीद बिन मुगैरा उसको भी अपने साथ मक्का ले आया और तमाम कुरैश ने मिलकर तामीर का काम शुरू किया। कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल ने इमारत की तामीर के मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए थे ताकि कोई भी इस अजीम इमारत की तामीर के शर्फ से महरूम न रह जाए। इस तरह उन्होंने काबे के कंस्ट्रक्शन का काम आपस में डिवाइड करके अपने इत्तेफाक यूनिटी का सबूत दिया। लेकिन जब हजरे अस्वद के नसब, यानी हजरे अस्वद को उसकी जगह में फिक्स करने का मौका आया तो बहुत ही सख्त झगड़ा पैदा हो गया। हर शख्स ये चाहता था कि ये खिदमत उसी के हाथ अंजाम पाए। वाकई वो था भी मौका ऐसा, कुछ ऐसा ही, तो क्यों कोई इसको हाथ से जाने देता। फिर नौबत यहाँ तक आई, यहाँ तक पहुँची कि तलवारें खींच गई। अरबों में दस्तूर था कि जब कोई शख्स जान देने की कसम खाता था तो प्याले में खून भरकर उसमें उंगलियाँ डुबो लेता था। उस मौके पर भी बास दावेदारों ने यह रस्म अदा की। गर्ज चार दिन तक ये झगड़ा बरपा रहा और बराबर चलता रहा। पांचवें दिन अबू उमैया बिन मुगैरा ने, जो कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअम्मर था, सीनियर था, उसने ये राय दी कि मस्जिद हराम के दरवाज़े से दूसरे दिन सुबह जो सबसे पहले दाखिल होगा उसे अपने झगड़े का हकम मान ले। सब ने यह राय तस्लीम की, सबको ये राय पसंद आई। दूसरे दिन तमाम कबाइल के मुअज्जज़ आदमी मौके पर पहुंच गए। तो करिश्मे रब्बानी थी, अल्लाह की मशीयत थी कि सबसे पहले उस दरवाज़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े, हाज़ल अमीन रदियना हाज़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानि ये अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं, ये मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामले की तफसील बताई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कबूल ना किया कि इस शर्फ से आप तन्हा बहरावर हों। लिहाजा आपने फरमाया, जो कबाइल दावेदार हैं सबका एक एक सरदार इंतखाब कर लिया जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाकर हजरे अस्वद को उस पर रखा और उन तमाम कबीलों के सरदारों से कहा कि चादर के चारों कोने थाम लें और ऊपर को उठाएं। जब चादर हजरे अस्वद के मुकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर नसब कर दिया। ये बहुत ही माकूल फैसला था जिस पर सारी की सारी कौम राज़ी हो गई। ये गोया इशारा था
कि दीन इलाही की इमारत का आखिरी तकमीली पत्थर भी आप ही के हाथों से नसब होगा। ये वाकिया इशारा है उस हदीस की तरफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं नबुवत की इमारत का आखिरी पत्थर हूँ। इस तरह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तदबीर से एक सख्त तरीन लड़ाई रुक गई। काबे की इमारत के तामीर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया, लेकिन चूंकि तामीर के लिए सामान काफ़ी न था, इसलिए एक तरफ ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़कर काबे की तामीर की गई और चार दीवारें उठाई गईं, और उन्होंने तय किया कि फिर जब मौका होगा तो उस छूटी हुई ज़मीन को भी काबे के अंदर ले लेंगे। यही वो हिस्सा है जिसको आज हतीम कहते हैं। हतीम की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत के दौरान अपनी नबुवत के दौरान इरादा किया कि काबे की दीवार गिराकर हतीम को काबे के अंदर ले लिया जाए और नए सिरे से इमारत बनाई जाए, क्योंकि हतीम काबे का ही एक हिस्सा है। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़याल आया कि लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, काबे की दीवार ढाने से कहीं बदगुमान ना हो जाए, इसलिए ये इरादा आपने तर्क कर दिया। आगे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शगल के बारे में जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिए मुआश क्या था, यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या था। अरब्स खुसूसन खुरैश यानी बनी इस्माइल ज़ुहूर इस्लाम के हज़ारों बरस पहले से तिजारत पेशा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला हाशिम ने कबाइल अरब से तिजारती मुआहदे बिजनेस अग्रीमेंट्स करके उसको ज़्यादा मजबूत बना दिया था। आपके चचा अबू तालिब भी ताजिर थे। इस बिना पर जब आप सुने रुश्त को पहुँचे यानी मेचोरिटी की एज को पहुँचे तो आपको तिजारत से बेहतर कोई पेशा नज़र नहीं आया। अबू तालिब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बास तिजारती सफ़र किए थे, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म का तजुर्बा हासिल हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और हुस्न मामलात की शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन के नाम से मशहूर थे और ये लक़ब आपको मक्के वालों ने दिया था आपकी अमानतदारी को देखकर। अक्सर लोग ये करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरमाया देकर अपना माल तिजारत देकर उसके मुनाफे में यानी उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा ले लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिजनेस पार्टनर्स की जो शहादतें अहादीस और तारीख की किताबों में मौजूद हैं, इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अमानतदारी दयानतदारी और रास्तबाजी से ये काम अंजाम देते थे। तिजारत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहासिन अखलाक की एक नायाब मिसाल मिलती है। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा रज़ी अल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि नबुवत से पहले मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़रीद व फ़रोख्त का कोई मामला किया, यानी मैंने कुछ ख़रीदा या बेचा, कुछ मामला हो चुका था और कुछ बाकी था, यानी कि डील अभी पूरी तरह नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं फिर आऊँगा। आपसे यह कहकर मैं भूल गया और इत्तेफाक से 3 दिन तक मुझे अपना वादा याद न आया। 3rd दिन जब मुझे याद आया और जब मैं उस जगह पहुंचा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ही जगह मुंतज़र पाया, उस ही जगह मेरे इंतज़ार में खड़े हुए पाया।
लेकिन इस खिलाफ वादा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बल तक ना आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि तुमने मुझे जहमत दी, मैं इसी मकाम पर 3 दिन से मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह, यह थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, वो भी नबूवत से पहले, नबी बनाए जाने से पहले। इसके अलावा कारोबार तिजारत में हमेशा आप अपना मामला साफ रखते थे। नबूवत से पहले भी जिन लोगों से तिजारत में आपका साबिका था वह भी इसकी शहादत देते हैं, गवाही देते हैं। साइब नामी एक सहाबी जब मुसलमान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो लोगों ने उनकी तारीफ की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनको तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। साइब रज़ी अल्लाह अन्ह ने कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप मेरे शरीक तिजारत थे, यानी बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन हमेशा आपने मामला साफ रखा। खैज़ बिन साइब मखज़ूमी रज़ी अल्लाह अन्ह एक और सहाबी भी जो आपके शरीक तिजारत थे, वो भी ऐसे ही अल्फाज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामले की शहादत देते थे। तिजारत की गर्ज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम, बसरा और यमन के कई सफ़र किए और आपके हुस्न अखलाक की वजह से आप मक्के में बहुत मशहूर थे। आपके हुस्न मामले की शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। हर कोई आपको अपना सरमाया देकर मुनाफे में यानी प्रॉफिट में शरीक होने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि आप में हद दर्जे की अमानतदारी थी। जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो मक्के की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून थी और एक बेवा थी, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामले, रास्तबाज़ी, सिद्क, दयानत और पाकीज़ा अखलाक का पता चला, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाए। जो मुआवजा, जो शेर वह दूसरों को देती हैं, उससे दुगना शेर वह आपको देंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया और माल तिजारत लेकर बसरा तशरीफ ले गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तिजारती सफ़र के बारे में जानें, हम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में थोड़ी तफसील देख लेंगे। हज़रत खतीजा बिन्त क़ुवैलद मक्के की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन, बहुत ही मालदार और ताजिर खातून थी। आपका सिलसिला ए नसब 5वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है और इस रिश्ते के लिहाज से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन हुई। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की 2 शादियां पहले हो चुकी थी, लेकिन वो अब बेवा थी। चूँकि आप नहायत शरीफ़ नफ्स और पाकिज़ा अखलाक थी, इसलिए लोग आपको ताहिरा के नाम से पुकारते थे। आप नहायत दौलतमंद थी। तबक़ात इब्ने सआद में आता है कि जब अहले मक्का का काफिला तिजारत के लिए रवाना होता था तो अकेले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान तमाम कुरैश के सामान के बराबर होता था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस मकान में रहती थी वो आज भी उन्हीं के नाम से मशहूर है। अमीर मुआविया के ज़माने में उन्होंने उस मकान को ख़रीद कर मस्जिद बना दिया। हज़रत खतीजा के पहले 2 शोहरों से आपके 2 बेटे और 1 बेटी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल तिजारत बसरा ले गए और वहाँ के बाज़ारों में फ़रोख्त करके वापस मक्का तशरीफ लाए, तो हज़रत खतीजा ने अपने माल में ऐसी अमानत वो बरकत देखी जो उससे पहले कभी ना देखी थी।
और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भेजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद खुवैलद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन आपके चचा अमर बिन असद जिंदा थे। अरबों में औरतों को ये आज़ादी हासिल थी कि वो खुद शादी ब्याह के मुतालिक फ़ैसला कर सकती थी और इसमें बालिगा या नाबालिगा की कोई क़ैद ना थी। इसलिए अपने चचा के रहते हुए अपने निकाह का फ़ैसला खुद हज़रत खदीजा ने लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के लिए अपनी रज़ामंदी दी और शादी की तारीख तय हो गई तो अबू तालिब अपने घर वालों के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर आए और अबू तालिब ही ने खुतबे निकाह पढ़ाया और 500 तलाई दिरहम मेहर अदा किया गया। शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन ही से हुई। सिर्फ हज़रत इब्राहिम के अलावा जो हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हुई उनमें 2 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। हज़रत खासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे और उन्हीं के नाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। इनके बाद ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रुखैया रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और फिर आखिर में अब्दुल्लाह थे। अब्दुल्लाह का लक़ब तैयब और ताहिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे बचपन ही में वफात पा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम साहबजादियाँ ने इस्लाम का ज़माना पाया, इस्लाम को कबूल किया और हिजरत भी की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा दूसरे 3 बेटियों का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में हो गया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबत फ़िक्र, दूरबीनी और हक़ पसंदी का बुलंद मीनार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत से पहले भी शिर्क से इज्तनाब किया, परहेज़ किया। नबुवत से पहले भी आपने बचपन या जवानी में कभी भी शिर्क नहीं किया। एक दफ़ा कुरैश ने आपके सामने खाना लाकर रखा जो बुतों के चढ़ावे का था, यानी जानवर जो ज़बह किया गया था किसी बुत के नाम पर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया। और यह भी साबित शुदा बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत से पहले ही बुत परस्ती की बुराई शुरू कर दी थी, यानी आप बुत परस्ती को ना सिर्फ बुरा समझते थे बल्कि दूसरों को भी उससे मना करते थे। जिन लोगों पर आपको एतमाद था, भरोसा था, उनको आप बुत परस्ती से मना करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर व फ़िक्र और हक़ की तलाश में रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शादाब अक्ल और रोशन फितरत से ज़िंदगी और लोगों के मामलात का मुताला करते, स्टडी करते और जिन खुराफात में वो सब लतपत थे उनसे आप सख्त बेजार थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के बीच रहते हुए भी अपना दामन उनके खुराफाती कामों से बचाकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते रहे। लोगों का जो काम अच्छा होता उसमें शरीक होते, वरना अपनी तन्हाई की तरफ पलट जाते। चुनाचे आपने शराब को कभी मुँह न लगाया, आस्तानों का ज़बीहा
न खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार और मेलों में कभी शिरकत ना की। आपको शुरू ही से उन बातिल माबूदों से इतनी नफरत थी कि उनसे बढ़कर आपको किसी और चीज से नफरत न थी। यहां तक कि लात और उज्जा की कसम सुनना भी आपको गवारा ना था। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहबाब खास, यानी खास दोस्त जो नबूवत से पहले भी आपके खास दोस्त थे, वह सब नहायत ही पाकीज़ा अखलाक, बुलंद रुतबा और आला रुतबा वाले थे। उनमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्ह का नाम आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्ह बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में थे। हज़रत अबू बकर के अलावा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचाजाद भाई हकीम बिन जुज़ाम, जो कुरैश के नहायत मुअज़्ज़ज़ रईस थे, वो भी आपके ख़ास दोस्तों में से थे। उम्र में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल बड़े थे। हरम का मनसबे रिफादा यानि हुज्जाज को खाना खिलाना उन्हीं के हाथ में था। दारुल नदवा के भी वही मालिक थे, अगरचे कि वो हिजरत के 8वीं साल तक ईमान नहीं लाए, लेकिन इस हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत मोहब्बत रखते थे। हज़रत जम्मात बिन सालबा रज़ी अल्लाह अन्ह, जो कबीले अज़द से थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्तों में से थे। नबूवत के दौर में जब वो मक्का आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे हैं और लोगों का हुजूम आपके पीछे पड़ा है और वो आपको मजनू कह रहे हैं। लोगों की बातें सुनकर जमाद रज़ी अल्लाह अन्ह ने भी यही कयास किया कि नऊज़ु बिल्लाह, आप मजनू हैं। इसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि मोहम्मद, मैं जुनून का इलाज कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना की और बाद में चंद मुअस्सर जुमले कहे, असरकुन जुमले कहे, तो जमाद रज़ी अल्लाह अन्ह वहीं के वहीं मुसलमान हो गए। ये वाक़िया मुस्लिम और निसाई ने मुख्तसर लिखा है, लेकिन मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़्यादा तफसील से लिखा है। खैज बिन साइब मखज़ूमी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत किया करते थे, उनका बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआमिला निहायत साफ रखते और कभी कोई झगड़ा तो क्या किसी बहस की भी नौबत नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में शीरीन किरदार, फादिलाना अखलाक और करीमाना आदात के लिहाज से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बामुरव्वत, सबसे ज़्यादा खुश अखलाक, सबसे ज़्यादा दुर अंदेश, सबसे ज़्यादा रास्तगो, सबसे नरम पहलू, सबसे ज़्यादा पाक नफ्स, खैर में सबसे ज़्यादा करीम, सबसे नेक अमल, सबसे बढ़कर पाबंद अपने वादों के और अहदों के, और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। हत्ता के आपकी कौम ने आपका नाम ही अमीन रख दिया था। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर में, चाहे वो बीसत से पहले हो या बाद, अपने अहद वो वादों का पूरा किया और आपने दूसरों को भी इसकी तरगीब दी और उसकी नसीहत की। कुरान और हदीस में वादों की पाबंदी करने की सख्ती से ताकीद की गई है। सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाता है, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसूला, और तुम वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। सूरह नहल में आता है, वऔफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, और तुम
वादे को पूरा करो जब तुम वादा करो। सूरह सफ में आता है, ऐ ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के हाँ ये नाराज़गी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है कि तुम वो बात कहो जो तुम खुद ना करो। ये हमारा आज का अमली नुक्ता होगा। यहाँ हम सब के लिए संजीदा होकर चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये बुराई हमें तो कहीं पाई नहीं जाती जिससे अल्लाह ताला हमें मना कर रहा है, और जो अल्लाह ताला को शदीद नाराज़ करने वाली बुराई या गुनाह है। ये कितना सख्त तरीन गुनाह है इसका अंदाज़ा हमें इस हदीस से पता चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें ये तीन बातें पाई जाती हों वो मुनाफिक है। जिस किसी में निफाक पाया जाता है वो मुनाफिक होता है, यानी हिपोक्रेट। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें ये तीन बातें पाई जाती हों वो मुनाफिक है। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अगर अमानत रखी जाए तो खयानत करे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यही अल्फाज आते हैं, लेकिन मुस्लिम में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि यह तीन बातें जिनमें पाई जाती हैं वो मुनाफिक है, ख्वाह वो रोज़े रखे और नमाज पढ़े और ख्याल करे कि वो मुसलमान है। हमें कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको इस तरह की मुनाफिकत से। हमारे लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को बचाने और मुनाफिकत से बचने के लिए अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें और वक्त रहते अपना तज़िया करके अपनी इस्लाह करें। बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें जिसमें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें कोई एक खसलत पाई जाए तो उसमें मुनाफिकत की एक खसलत होगी जब तक वो उसको तर्क ना कर दे। जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा ना करे, जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पर उतर आए। मुनाफिक यानी हिपोक्रेट वो होता है जिसमें निफाक हो, यानी हिपोक्रेसी हो, और निफाक कुफ्र की एक किस्म है, और वादा खिलाफी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक करार दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वादा खिलाफी किस कदर मज़मूम है। वादे की पाबंदी और अहद का पास रखने का सबक आपसे सहाबाए कराम ने सीखा और अपनी अमली ज़िंदगी में उसे बरत कर दिखाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त आया तो फरमाया कि कुरैश के एक शख्स ने मेरी बेटी के लिए निकाह का पैगाम दिया था और मैंने उससे कुछ ऐसी बात कही थी जो वादे से मिलती जुलती है, तो मैं एक तिहाई यानी 1/3 निफाक यानी निफाक की 3 में से एक अलामत के साथ अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम लोगों को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उससे अपनी बेटी का निकाह किया। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की कैसे तरबियत की थी, लेकिन अफसोस कि आज हमारे समाज में वादों की कोई अहमियत नहीं। इस पर से आम
तौर पर आज लोग ये समझते हैं कि कर्ज के लेन देन ही से वादे का ताल्लुक है, जबकि हम हमारी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में अहद व पैमान से गुज़रते हैं, निकाह, खरीदो फरोख्त, पार्टनरशिप वगैरह दो तरफा वादे होते हैं, इसलिए इन मुआमिलात को अख्द कहा जाता है, यानी अख्द यानी दो तरफा वादे और मुआहदे। इस्लामी नुक्ते नज़र से, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से वादे का मतलब यही नहीं बल्कि इससे मुराद वो तमाम वादे भी हैं जो हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए हैं। कलमा तैयबा पढ़कर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल के तमाम अहकाम को पूरा करने का अहद करते हैं। इस अहद के बाद हम अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला और उसके रसूल के हर हुक्म पर तामील करने के पाबंद हो जाते हैं। लिहाजा हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम ये चेक करें कि क्या हम इस अहद की पाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को ज़िंदगी के हर शोबे में किए गए वादों को पूरा करने वाला बनाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।